मित्र बालवीर, है ये काम उस दैत्यानी का और तोबा तोबा का। क्या? हाँ, खिलाई थी जिसने तुम्हें चॉकलेट। हाँ, वो मेरा जुड़वा भाई तोबा तोबा। इसका मतलब उस छोटी सी प्यारी सी लड़की के रूप में तोबा तोबा था। हाँ, और वो चॉकलेट कोई चॉकलेट नहीं थी, बल्कि वो रूप बदलो बोली थी, जिसकी वजह से मैं भड़काऊ बन गया। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं बाकी बच्चों को भार्गव दिख रहा हूँ तो तुम्हें तुम्हें कैसे बालवीर दिखाई दे रहा हूँ? है नहीं, मुझे भी इस बात का पता बालवीर, लेकिन लेकिन हूँ समझ सकता मैं तुम्हारी पीड़ा। देखा सब मैंने मेरी आंखों के सामने, जब सुना रहे थे बच्चे तुम्हें खरी कूटे तो नहीं लग रहा था मुझे भी अच्छा। नहीं डुबा डुबाई, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। अगर उन्हें मुझ में भार्गव दिखा वो मेरी बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? सब में उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने असली रूप में आना होगा, वरना बच्चों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और फिर वो मदद के लिए बालवीर को कभी नहीं पुकारेंगे। वो बालवीर में विश्वास ही नहीं रखेंगे। नहीं, हमें कुछ करना होगा डुबा डुबाई, लेकिन क्या क्या करें? क्या बालवीर? है आया मेरे मन में एक विचार, है चलते परियों के पास, यदि वो दिखाई दे रहे तुम मुझे बालवीर तो हो सकता है परियों को भी दिखाई दो तुम बालवीर ही, और शायद ढूंढ सके परिया तुम्हारी समस्या का कोई उपाय। हाँ डुबा डुबाई, बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो परिलोक चलो। है? यही तो मैं चाहती हूँ बालवीर कि तुम परिलोक जाओ, परिलोक का ये सफर तुम्हारा अंतिम सफर होगा, क्योंकि परियों का तुम बालवीर नहीं बल्कि भार्गव नजर आओगी और परियां तुम्हारा अंत कर देगी। लेकिन दैत्यानी, है आपकी योजना में एक समस्या, अगर है दिखाई दे रहा डुबा डुबा एक को बालवीर तो फिर दिखाई देगा परियों को भी बालवीर ही? नहीं तौबा तौबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे परियों को वो बालवीर नहीं भार्गव नजर आएगा, और डूबा डूबा एक की बात अलग है, क्योंकि डूबा डूबा एक ने बालवीर को गोली खाते हुए देख लिया था, इसलिए उसे वो बालवीर ही नजर आ रहा है, भार्गव नहीं। लेकिन खाते हुए बालवीर को गोली था देखा मैंने भी, तो फिर है क्यों दिखाई दे रहा वो मुझे भार्गव? क्योंकि उस समय तुम एक लड़की के रूप में है? अगर इस समय तुम फिर से उसी लड़की के रूप में आ जाओगे तो तुम्हें ये बालवीर ही नजर आएगा। यही एक छोटी सी खामी है इस रूप बदलू गोली में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बालवीर का अंत तो अब निश्चित है। ड्राइवर अंकल, डेमो चालू करो। नीचे उतार दोगे चलेगा। कमाल है बॉस, लेकिन बॉस एक बात समझ में नहीं आई, उड़े कैसे? ओ, एक मिनट रुको। ये देखो, इस जेटपैक की मदद से मैं उड़ा था। इसे मेरे पापा भार्गव से लाया। भार्गव से क्यों लाएंगे? मतलब बाहर गांव से लाए? हाँ हाँ हाँ, जापान से लाए। आपके पापा जापान के आगे जाते नहीं है क्या? मतलब सॉलिड है मोंटू बॉस, मस्त है, अब तो आप भी सुपर हीरो बन गए ना। हाँ, अब देखना चारों ओर मोंटू वीर के ही चर्चे होंगे। म्यूजिक दो रे। हर बच्चा मोंटू वीर बनना चाहेगा। मोंटू, हर बच्चे के हाथ में मोंटू वीर का बैंड होगा। मोंटू, हर न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू होगा। मोंटू, और मैं फेमस हो जाऊंगा। मोंटू,
पता नहीं ये भार्गव अपने आप को क्या समझता है, कहता है मैं बालवीर हूँ। एक्चुअली मेहर हमें उसे कहना चाहिए था अगर तू बालवीर है ना तो फिर चल हमें जादू करके दिखा, तो फिर उसकी बैंड बज जाती क्योंकि वो उड़ भी नहीं सकता है ना। हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं उस वक्त, बोलना चाहिए था हमें। अरे ए, भावेश देख के नहीं चल सकता, धक्का क्यों मारा? ऐसे बीच में खड़े रहोगे तो धक्का तो लगेगा ना। एक तो धक्का मारता है और ऊपर से स्मार्ट बनता है। चल सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा, जो करना है वो कर ले। सॉरी बोल, नहीं तो? नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुझे पीट देगी। अच्छा तो पहले तो मैं तुझे पीट दूंगा। मुझे बचा प्लीज। बच्चों सच्चे और अच्छे बच्चों को बचाने के लिए आया है मोंटू वीर। बचा दूंगा मैं बुराई की बैंड ढंटरन। रेडी हो ना? हाँ मोंटू बॉस। बॉस अब देखना मैं हाथी को कैसे हवा में उड़ाता हूँ। मेरी कहने का मतलब मोंटू वीर को कैसे हवा में उड़ाता हूँ। अब जाओ बच्चों। पहले वो भार्गव और अब ये मोंटू। पता नहीं क्यों सबके दिमाग में बालवीर बनने का भूत चढ़ा हुआ है। नहीं नहीं मैं बालवीर जी नहीं हूँ, मैं तो उनका भेजा हुआ एक दूत हूँ, मोंटू वीर। वाह क्या नाम है मोंटू। वो क्या है ना बालवीर जी थोड़ी व्यस्त है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। ए मोंटू बस हो गया तेरा नाटक, मैं काम करती हूँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ और पता करती हूँ कि सच क्या है। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। ठीक है बालवीर। बालवीर जी को क्यों बुला रही हूँ? मैं हूँ ना बालवीर जी थोड़े व्यस्त है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है, और वो भी उनकी शक्तियों के साथ। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा इसलिए मैं तुम सब बच्चों को उड़के दिखाऊंगा। उड़के दिखाऊंगा। ये तो पहले से ही इतना उड़ता है। मोंटू तो सच में हवा में उड़ रहा है। फिर वाकई में बालवीर ने इसे भी जादू शक्तियां तो नहीं दे दी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मोंटू की कोई चालाकी है। देखो हो गया ना विश्वास अब तो। हाँ रोहित अब मेरी बारी, अब देना मैं मोंटू बस को उड़ाता हूँ। नहीं नहीं अभी मैं उड़ा रहा हूँ ना, मैं उड़ाऊंगा थोड़ी देर। मोंटू वीर जी आपका दिमाग का फ्रैक्चर था ही, अब लगता है आपका हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो जाएगा। चलो
परियों, हमें बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। दैत्यानी कुछ भी कर सकती है। हाँ, अगर वो सच में दैत्यानी का मोहरा भार्गव बालवीर की सारी शक्तियाँ छीन कर सच में बालवीर बन जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए दत्तात्रेय परी, क्योंकि हमें दैत्यानी की योजना के बारे में पता चल गया। हम किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ भटकाती परी, मान लीजिए अगर भार्गव ने बालवीर की शक्तियाँ छीन भी ली तो हम उसे कैद कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बार बालवीर को बता देना चाहिए ताकि वो सावधान रहे। खुश रहो परियो, खुश रहो। जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ परियों? आप मुझे बालवीर, आप यहाँ कब आए? रानी परी माँ। परियों, आप सब मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं? क्या मैं आप सबको बाल भी नहीं दिखाई दे रहा? डुबा डुबाए लगता है परियों को भी मैं बच्चों की ही तरह भार्गव दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए अब तुम ही इन्हें सब सच बता दो। है ठीक रानी परी। डुबा डुबा एक विराम। लेकिन रानी परी, उसकी बात तो सुनिए। बस भार्गव, हमें कुछ नहीं सुनना, हम सब जानते हैं। आप लोग सब जानते हैं? तो रानी परी, तो मेरी हमसे रुक जाइए भार्गव। रानी परी की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या आप क्या कह रही है माँ? आपने कहा कि आप सब जानते हैं, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि तौबा तौबा ने मुझे धोखे से रूप बदलो गोली खिलाकर मेरी शक्ल भार्गव जैसी कर दी है। लेकिन असल में तो मैं आप सबका प्यारा बालवीर ही हूँ। हाँ रानी परी, है तेरा सच बालवीर? हुआ ये सब मेरी आंखों के सामने, है ये सब कुछ उस दैत्यानी के षड्यंत्र का परिणाम। डुबा डुबाए, रानी परी ने आपसे कहा ना कि आप बीच में मत बोलिए। भटकाती परी, दिखा दीजिए भार्गव को वो दृश्य जो हमने दैत्यलोक में अंकित किया था। जब तुम इस यंत्र के साथ बालवीर से टकराओगे तो बालवीर की सारी शक्तियां और याददाश्त तुम्हारे अंदर आ जाएगी और फिर तुम उन परियों के पास जाना और कहना कि तुम ही बालवीर हो। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना है भार्गव? परी, रानी परी माँ, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं बालवीर हूँ। मैं भार्गव नहीं हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बालवीर ही हूँ। जरूर दैत्यानी ने आप सबको भ्रमित करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ भार्गव, षड्यंत्र तो जरूर रचा गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि हमें इसके बारे में पहले ही पता चल गया। बालपरी, भार्गव को बंदी बना लीजिए। माँ रानी परी, परियो नहीं, बात तो सुनिए माँ, परियो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं ही बालवीर हूँ। माँ, माँ छोड़िए मुझे। बालवीर, माँ मैं बालवीर ही हूँ, मैं भार्गव नहीं, मैं बालवीर ही हूँ। बेवकूफ कहीं के, सॉरी मोंटू बॉस, सॉरी। मोंटू, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती की ना तो किसी पेड़ पे उल्टा लटका के मारूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। मोंटू का बच्चा सुपर हीरो बनने चला, बालवीर की नकल करता है। नहीं छोड़ूंगी उसे, उसे सबक सिखा के रहूंगी।
अब मैं बालवीर को बुलाती हूँ। अरे मेहर जाने देना, हमारी धुलाई तो हो गई मोंटू बॉस, लेकिन अब आपकी धुलाई की बारी है। मेरे कहने का मतलब है बालवीर जी अब आपकी धुलाई करेंगे। हाँ बॉस, वो भी बिना साबुन के। निकला जा, झूठ बोलना तो मोंटू का रोज का काम है। हाँ मेहर छोड़ना। नहीं नहीं छोड़ूंगी उसे, बालवीर को सब बताऊंगी। अरे क्या मेहर तू भी, वो मोंटू आज तक कभी सुधरा है क्या? जो अभी सुधरेगा वही तो। हाँ मेहर कभी नहीं सुधरेगा। कौन बोला? कौन बोला? मेहर हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है। जो भी हो, मोंटू सुधरे या ना सुधरे, लेकिन मैं उसकी कंप्लेंट बालवीर से करके ही रहूंगी। बुराई के खिलाफ आवाज ना उठाना मतलब बुराई का साथ देना। मैं वो कभी नहीं करूंगी। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, मुझे जाने दीजिए, मैं ही बालवीर हूँ। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करे? हम लोग मांग क्यों नहीं रहे? मैं बालवीर हूँ, मैं भार्गव नहीं बालवीर ही हूँ। हाँ पर यो छोड़िए मेरे मित्र को। बालवीर, रानी पर माँ मुझे जाने दीजिए, मुझे मेहर बुला रही है, शायद वो किसी मुसीबत में है। मुझे जाने दीजिए माँ, रानी परी जाने दीजिए मुझे। नहीं भार्गव, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वरना मेहर और भी मुसीबत में आ जाएंगे। रानी परी, भार्गव अब जब तक तुम हमें नहीं बताओगे कि बालवीर कहाँ है, तब तक हम तुम्हें यहाँ परीलोक के कारावास में बंदी बनाकर रखेंगे।